हेलो एवरीवन, वेलकम ऑल ऑफ यू। आज का वीडियो साइकोलॉजिकल फिक्शन के बारे में है। ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे इसके डिफिनीशन को और मेजर साइकोलॉजिकल फिक्शन के बारे में। ये वीडियो आपको हेल्प करेगा एमसीक्यू को सॉल्व करने में और लॉन्ग आंसर प्रिपेयर करने में। साइकोलॉजिकल फिक्शन दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है, एक साइकोलॉजिकल और दूसरा फिक्शन। साइकोलॉजिकल का मतलब होता है मेंटल एंड इमोशनल स्टेट ऑफ ए पर्सन। किसी व्यक्ति के मेंटल और इमोशनल स्टेट को साइकोलॉजिकल कहा जाता है। वही फिक्शन जो है उसका मीनिंग होता है स्टोरी और नॉवल, वैसा नॉवल या स्टोरी जो डिस्क्राइब करता है इमेजिनरी इवेंट्स और पीपल को। इन अदर वर्ड्स इट कैन बी सेड दैट ए साइकोलॉजिकल फिक्शन इज एन एक्सप्रेशन ऑफ द स्टेट ऑफ माइंड एंड एक्सप्लोर्स द स्पिरिचुअल इमोशनल एंड मेंटल लाइफ ऑफ द कैरेक्टर। कोई भी साइकोलॉजिकल फिक्शन क्या करता है कि एक्सप्रेस करता है किसी पर्सन किसी कैरेक्टर के स्टेट ऑफ माइंड को, साथ ही साथ ये उस कैरेक्टर्स के स्पिरिचुअल इमोशनल और मेंटल लाइफ्स को डिस्कस करता है। इट ऑल्सो एक्सप्रेसेस हु दे आर एंड व्हाट देयर मोटिवेशन एंड रीजंस आर फॉर हाउ दे बिहेव। ये भी बताता है कि कोई कैरेक्टर का क्या मोटिवेशन है या क्या रीजन है और वो ऐसा क्यों कर रहा है। द अर्लीस्ट एग्जाम्पल ऑफ साइकोलॉजिकल फिक्शन, इंग्लिश लिटरेचर में जो सबसे पहला और सबसे प्राइम एग्जाम्पल है साइकोलॉजिकल फिक्शन का, वो है पामेला या वर्च्यू रिवॉर्डेड, जो 1740 में पब्लिश हुआ। ये सैमुअल रिचार्डसन का नॉवल है। ये एक सेंटिमेंटल नॉवल है। सेंटिमेंटल नॉवल जो है वो डीलिंग करता है फीलिंग ऑफ टेंडरनेस से, सैडनेस से और नॉस्टैल्जिया से। और कोई भी सेंटिमेंटल जो नॉवल है वो रिलाय करता है इमोशनल रिस्पॉन्स पे निर्भर करता है किसी रीडर्स के या किसी कैरेक्टर्स के, किसी फिक्शन के कैरेक्टर्स पे। द राइज ऑफ द साइकोलॉजिकल फिक्शन, साइकोलॉजिकल फिक्शन का जो उदय है या जो डेवलपमेंट है वो कैसे हुआ, इसके बारे में इसमें हम इस स्लाइड में देखेंगे। तो इट इज़ सेड दैट द थ्योरीज एंड राइटिंग्स ऑफ सिगमंड फ्राइड लेड द फाउंडेशन इन द स्टडी ऑफ साइकोलॉजिकल फिक्शन। साइकोलॉजिकल फिक्शन का जो स्टडी है उसका जो फाउंडेशन है वो शुरू होता है सिगमंड फ्राइड के राइटिंग्स और थ्योरी से। सिगमंड फ्राइड एक ऑस्ट्रियन न्यूरोलॉजिस्ट थे और इनको फाउंडर और फादर ऑफ साइको एनालिसिस भी कहा जाता है। सिगमंड फ्राइड का एक बुक आता है द इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम, जो 1899 में पब्लिश होता है। और उसमें वो वैसे तो बहुत सारे थ्योरी को डेवलप किए, कॉइन किए बहुत सारे टर्म्स को, लेकिन उसमें जो मेजर थ्योरी है जो जानना जरूरी है वो है थ्योरी ऑफ अनकॉन्शियस और थ्योरी ऑफ ईडिपस कॉम्प्लेक्स। ये मेजर थ्योरी है उस बुक का। बाद के जो राइटर्स आए जैसे माइकल फोकाल्ट, ओराल ब्लूम, जैक्स, ये सब का भी अपना कंट्रीब्यूशन है इन द राइज ऑफ साइकोलॉजिकल फिक्शन। जैसे माइकल फोकाल्ट का बुक आया मैडनेस एंड सिविलाइजेशन, ब्लूम का आया द एंग्जाइटी ऑफ इन्फ्लुएंस, वही जैक्स का आया एक रिट्स। ये सारे बुक और ये सारे राइटर काफ़ी कंट्रीब्यूट किए इन द स्टडी ऑफ साइकोलॉजिकल फिक्शन। अब हम लोग इस स्लाइड में देखेंगे मेजर साइकोलॉजिकल फिक्शन के बारे में। वैसे तो ढेरों सारे साइकोलॉजिकल फिक्शन है, लेकिन कुछ मेजर साइकोलॉजिकल फिक्शन है जिसमें चार्ल्स डिकेंस का ग्रेट एक्सपेक्टेशन है, हेनरी जेम्स का द पोर्ट्रेट ऑफ द लेडी है, डीएच लॉरेंस का सन्स एंड लवर्स है, जेम्स जॉयसी का यूलिसिस है और वर्जीनिया वुल्फ का मिसेस डॉलवे है। ये मेजर साइकोलॉजिकल फिक्शन है। अब हम लोग एक एक करके देखेंगे कि इन फिक्शंस में कौन कौन से साइकोलॉजिकल थ्योरी या टर्म्स ये सारे फिक्शन उस सब पे बेस्ड है। तो पहला है ग्रेट एक्सपेक्टेशन। ग्रेट एक्सपेक्टेशन में जो सेंट्रल कैरेक्टर है वो पीप है, वो प्रोटागोनिस्ट है और ये नॉवेल बेस्ड है उसके इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट पे। पूरे नॉवेल में हम लोग देखते हैं कि कैसे पिप अब इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट से जूझ रहा होता है और उसको हमेशा इस बात का डर होता है कि वो जो गलती किया है उसके लिए कहीं उसको अरेस्ट नहीं कर लिया जाए। सो ये पूरे नॉवेल में इस टाइप के इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट से गुजर रहा होता है। इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट एक साइकोलॉजिकल टर्म है जिसमें किसी कैरेक्टर कोई कैरेक्टर इस बात का एक्सपीरियंस, टेंशन का एक्सपीरियंस करता है और वो हमेशा स्ट्रगल करता है अपने माइंड में जो उसके इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है उससे। कॉन्फ्लिक्ट दो तरह के होते हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल। तो इंटरनल आप अगर आपके अंदर ही मेंटल अगर आपके दिमाग में ही अगर किसी बात को लेकर दुविधा है, अगर आप किसी करेक्ट डिसीजन पे नहीं जा पा रहे हैं तो आप खुद से लड़ रहे होते हैं, तो इस स्टेज को इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट का नाम दिया गया है। नेक्स्ट जो नॉवेल है, जो साइकोलॉजिकल नॉवेल है, फिक्शन है, वो है द पोर्ट्रेट ऑफ लेडी।
और इसकी जो सेंट्रल कैरेक्टर है वो इजाबेल आर्कर है। तो और ये जो नॉवेल है वो एक साइकोलॉजिकल टर्म को डिस्कस करता है, वो है मैकियावेलियन। ये थ्योरी आपको चैप्टर 14 में देखने को मिलेगा, जब वो मेडिटेशन करती है अपन, और उसमें वो अपनी शादी के बारे में मेडिटेशन करती है तो पाती है कि वो किसी ट्रैप में फंसी हुई है। तो अभी हम लोग इसमें देखेंगे कि ये आखिर ये जो टर्म है मैकियावेलियन ये आखिर क्या है। तो ये एक साइकोलॉजिकल टर्म है और ये किसी पर्सन एक टाइप का पर्सनालिटी ट्रेट है जो कि सेंटर रहता है मैनिपुलेटिवनेस पे, सेल्फिशनेस पे और एरोगेंस पे। अगला जो नॉवेल है वो है सन्स एंड लवर। ये डीएच लॉरेंस का एक फेमस रिमार्केबल साइकोलॉजिकल फिक्शन है। इसका जो सेंट्रल कैरेक्टर है वो पॉल मॉरेल है, और ये जो नॉवेल है वो पॉल मॉरेल के इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट और उसके सफोकेटिंग रिलेशनशिप को दिखाता है। उसका जो इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट है और उसका जो सफोकेटिंग रिलेशन है उसके डिमांडिंग मदर और उसके दो डिफरेंट लवर्स के साथ, उसके बारे में है ये। तो द प्रोटागोनिस्ट ऑफ द नॉवेल इज सफर्ड फ्रॉम द ईडिपस कॉम्प्लेक्स। इस नॉवेल का जो प्रोटागोनिस्ट है यानी पॉल मॉरेल है, वो ईडिपस कॉम्प्लेक्स से पीड़ित है। ईडिपस कॉम्प्लेक्स एक साइकोलॉजिकल टर्म है जो कि क्वाइन किया गया था सिगमंड फ्राइड के द्वारा और उनके अपने बुक द इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम में। ये क्या कहता है, इस थ्योरी के हिसाब से वेर इन चिल्ड्रेन हैव एन अनकॉन्शियस सेक्सुअल डिजायर फॉर देयर अपोजिट सेक्स पेरेंट्स एंड दे विश टू एक्सक्लूड द पेरेंट्स ऑफ द सेम सेक्स। इस थ्योरी के हिसाब से कोई मेल चाइल्ड का जो अट्रैक्शन है, जो लव है, वो अपनी माँ की तरफ होता है ना कि उसके फादर की तरफ। वो अपने फादर को हेटरेट की नज़र से देखता है इस थ्योरी के हिसाब से। नेक्स्ट नॉवेल है यूलिसिस। यूलिसिस जेम्स वैसी का एक रिमार्केबल साइकोलॉजिकल फिक्शन है और इसका जो सेंट्रल कैरेक्टर है वो स्टीफन डेडलस है। स्टीफन डेडलस जो सेंट्रल कैरेक्टर है वो जो प्रॉब्लम फेस कर रहा है, और वो उस नॉवेलिस्ट जो जिस लिटरेरी टेक्निक का यूज कर रहे हैं इस नॉवेल में, वो है स्टीम ऑफ कंसियसनेस। स्टीम ऑफ कंसियसनेस जो टर्म है उसको फर्स्ट टाइम विलियम जेम्स अपने बुक द प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी जो 1890 में पब्लिश हुआ उसमें उसको डिस्कस किया। इस टर्म के हिसाब से इसमें क्या होता है कि न्यूमरस थॉट्स एंड फीलिंग पास थ्रू द माइंड ऑफ ए कैरेक्टर और एनीवन। इस थ्योरी में क्या होता है कि किसी कैरेक्टर के माइंड में बहुत सारे थॉट्स और फीलिंग आते रहते हैं। अगर आप वर्जीनिया वुल्फ का द डचेस एंड द ज्वेलर पढ़ रहे होंगे तो ये भी जो स्टोरी है वो स्टीम ऑफ कॉन्शसनेस पे बेस्ड है। उसमें जो ज्वेलर है वो स्टीम ऑफ कॉन्शसनेस से पीड़ित है। उसके माइंड में हमेशा तरह तरह के थॉट आते रहते हैं। इसमें कोई कैरेक्टर रहता है तो प्रेजेंट में, लेकिन अपने पास्ट के बारे में रेगुलरली फ्रीक्वेंटली सोचता रहता है। लास्ट जो रिमार्केबल फिक्शनल नॉवेल है वो है मिसेस डॉलवे जो वर्जीनिया वुल्फ का नॉवेल है, और इसकी जो सेंट्रल कैरेक्टर है वो क्लैरिसा डॉलवे है जो कि मेंटल इलनेस से पीड़ित रहती है, और वो सी इज सेल्फ कॉन्शियस अबाउट हर रोल इन लंदन हाई सोसाइटी। मेंटल इलनेस को मेंटल डिसऑर्डर भी कहा जाता है, और इट शोज ए वाइड रेंज ऑफ कंडीशन दैट अफेक्ट्स मूड, थिंकिंग एंड बिहेवियर। तो अभी हम लोग देखें कि साइकोलॉजिकल फिक्शन क्या है और कौन कौन से रिमार्केबल साइकोलॉजिकल फिक्शन है। तो आज के वीडियो को हम लोग यहीं खत्म करते हैं। थैंक यू ऑल ऑफ यू फॉर बीइंग हियर।